हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज यार हमारा मशीन का एक होस पाइप है, ये फट गया है। तो आप देखिए, हम यहाँ दुकान पे आए हैं, यहाँ पे होस पाइप रिपेयर किया जाता है। तो देखिए काका, पहले तो ये जो आगे का मुंडी जो होता है उसको वही वाला लगाना है। तो जो प्रेस करके दबाया हुआ रहता है वो जो पाइप को, उसको पहले काका इतना सावधानी से देखिए कट करके इसको पहले बाहर कर देंगे, और दोनों साइड जो थ्रेड वाला हिस्सा है उसको वापस रखेंगे, और नया होस पाइप में उसको बस सिंपली घुसा के और प्रेस कर देना है। तो देखिए काट रहे हैं, दूसरे दोनों चेहरा को काटना पड़ेगा। पहला काट दिए, अब दूसरा काट रहे हैं। अब काटने के बाद देखिए, ये हथौड़ी से हम ठोक के ये दोनों साइड का ये कैप जो है वो निकाल देंगे। ये निकल गया। तो यहाँ पे देखिए निकल गया, ये भी निकल गया। निकलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है यार, सही से कट नहीं लगा। अब निकल गया। अब एक सिंपली इसको दोनों निकाल लेंगे, देखिए प्रेस में ऐसे दबा के, और उसको इधर के लिए ठोक देंगे तो वो बाहर पाइप निकल जाएगा। हमको निकालना था देखिए ए वाला पीस जो निकल गया ना काका के हाथ में, इसको हमको सेफली निकालना था। अभी दूसरे छीरा को भी निकाल लेंगे वो ऐसे ही सेम, और इसमें अब नया पाइप घुसा के और प्रेस करना है। तो प्रेस करने के लिए देखिए कैसे इसमें डाल रहे हैं, इसको वहाँ तक डाल देंगे जितना चाहिए उतना तक डाल देंगे, उसके बाद ही प्रेस हो पाएगा। ऐसा दोनों सिरा में करना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे जो आप मशीन देख रहे हैं इसमें देखिए ऊपर से ऐसे घुसा के और उसमें सही से सेट करना पड़ेगा, कितना इसको पकड़ मजबूत बनाना है। देखिए ये घुस गया। हाँ, घुसने के बाद अब इसको सेट करेंगे, कितना हमको प्रेस करना है, कितना इसको दबाव में रखना है। ये कंप्लीट हो गया। अब इसका स्विच ऑन करेंगे। ऑन हो गया स्विच। अब देखिए यहाँ पे धीरे धीरे प्रेस हो रहा है। ये ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। ये ऑटोमेटिक जितना प्रेस करना है इतना सेट कर देने के बाद ऑटोमेटिक उतना कंप्लीट टाइट करके ऑटोमेटिक ये नीचे चला जाएगा। ये कंप्लीट हो गया एक साइड। ये देखिए एक साइड कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरा साइड करना है। तो दूसरा साइड वही मुंडी जो हम लोग बाहर निकाले थे ना, उसको वापस इस साइड घुसा के और इसी मशीन में डाल के ऐसे ही प्रेस करना है। तो यहाँ पर दूसरा साइड भी ऐसे ही देखिए ठोक के घुसा दिए, बढ़िया कंप्लीट हुआ। अब इसको अब मशीन में डालेंगे। तो अब ये भी मशीन में चला गया। अब इसको सेट करके कितना प्रेस करना है वो भी सेट करके एक और स्विच ऑन करेंगे, काम तमाम। ये हो गया भैया कंप्लीट। अब बटन ऑन करने की बारी है। अब जो है रोज यही काम कर रहे हैं उनको सब पता रहता है कौन सा पाइप में कितना प्रेस कितना दबाव दे के कितना हमको टाइट करना है। मतलब हाइड्रोलिक पाइप फट गया तो टेंशन नहीं लेने का, बन जाता है। पाइप पाइप का आपको पैसा देना पड़ेगा और इनका जो मशीन का जो चार्ज होता है वो देने का। हो गया भाई लो कंप्लीट। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब कर देना।